अंदर अस्पताल कर्मचारियों ने आंदोलन लड़ा था। अस्पताल सारे दिल्ली के अस्पताल एक दिन बंद रहे क्योंकि कर्मचारियों ने हड़ताल कर निर्माण भवन पर खड़े होकर कहा कि इस लड़की के साथ अन्याय हुआ है, काम की जगह पर सुरक्षा देना सरकारी अस्पताल में सरकार का काम है, इस डायरेक्टर को वहां से हटाओ और मामले की जांच करो। आपको जिन लोग उस समय प्रगतिशील महिला में संगठन में थे उन लोग को याद होगा कि निर्माण भवन पे पुलिस ने डंडे चलाए, लड़कियों के सिर फोड़े और उसके बाद उस लड़की ने 14 दिन की भूख हड़ताल की। 14 दिन की भूख हड़ताल, उसका इतना सा बेटा था, माँ के पास छोड़ के आई और भूखी बैठ गई निर्माण भवन की चौक पे। और उसके बाद हमें डायरेक्टर का ट्रांसफ़र मिला। ट्रांसफ़र कराने के बाद जब आंदोलन शांत हो गया, सरकार ने कह दिया कि इसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ था और डायरेक्टर को वापस भेज दिया। लड़की को इतने फालतू केसों में फंसाया कि उसने परेशान होकर अपना केस भी कूड़ेदान में डाल दिया। ये अकेला अनुभव नहीं था, बहुत से ऐसे अनुभव दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर आज छात्राएं खड़ी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की, आपके विश्वविद्यालय के अंदर इतने सारे केस, डीटीसी कर्मचारी महिला कर्मचारी के साथ इतने सारे अनुभव। इन सब को लेकर 2012 में जब निर्भय कांड हुआ उसके पश्चात यहाँ पर इंडिया गेट पर जो आंदोलन चला उसके अंदर एक सवाल ये भी उठा कि हमें काम करने का अधिकार है ढंग से, बिना छेड़खानी के हमारे यौन के की सुरक्षा के साथ, और कानून बनाया जाए जो कि 1992 में केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि औरतों के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए कमेटियां बनाई जाएं, इसके लिए कानून बनाया जाए। आंदोलन ढला और जो कानून बना उसके भी टांग जो है ऐसे ऐसे हिलते हैं, क्यों? कमेटी बनेगी अंदर, कार्यस्थल की सुरक्षा देगी, लड़कियां जाएंगी शिकायत लिखाएंगी, सुनवाई होगी। जवाहरलाल की तमन्ना है कि जेएनयू में सिलेक्शन हो जाए किसी ना किसी तरह। जेएनयू के अंदर एक चुनी हुई महिला सुरक्षा कमेटी होती थी, मोदी सरकार के डायरेक्टर ने बोला कि ऐसा नहीं होगा, हम कमेटी बनाएंगे, तीन टीचरों की कमेटी। अभी अखबार खोलो तो ये केस चल रहा है कि उस लड़की की पूरी गवाही, मतलब उनको कोई छेड़ रहा है तो कोई वहाँ पर चश्मदीन गवाह होगा, कोई टीचर कोई प्रोफेसर अपनी छात्रा को छेड़ेगा तो चार गवाह बुला के छेड़ेगा, गवाही क्या होगी? लड़की की जुबान होगी कि लड़की हिंदुस्तान की अर्थसामंती हालत में।